हेलो एवरीवन। तो ये भी आज कॉलर रोजरी के टेस्ट में आया, यूटी जो था, और ये भी हमने पहले कभी ना कभी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आइए करते हैं। यहाँ पे अगर मैंने इसको देखा, इसको सिंपलीफाई करना है, तो ये ए प्लस बी दिखा या ए माइनस बी दिखा। यहाँ पे ए को किसको ट्रीट करना है, थ्री एक्स को। बी को किसको ट्रीट करना है, वाई को। तो मुझे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई दे रहा है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस नो? और आगे हमारी एक और ब्रैकेट भी है, जिसमें हमारे पास क्या अवेलेबल है, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस विल बी आफ्टर सॉल्विंग इट विल बिकम नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर दोबारा से नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब की बार फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रिपीटेड लगाना पड़ेगा दूसरी बार भी। क्यों? अब की बार ए हमें क्या दिखाई दे रहा है बोलो, नाइन एक्स स्क्वायर, और बी हमें क्या दिखाई दे रहा है, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर दोबारा से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, पहली ब्रैकेट में ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, दूसरी ब्रैकेट में ए प्लस बी दिखाई दे रहा है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नाइन एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो आंसर क्या 81 एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस 4 वाई रेस टू द पावर 4। है, माइनस वाई रेस पावर फोर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक करके आयो बेटा ये। यस सर।